गलतियों के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरियां पाई जाती हैं। ये दूरियां ही हैं जो परमेश्वर के पक्ष को हमारे पीछे से वापस लौटा देती हैं। वी आर लूजिंग द फेवर ऑफ गॉड। हमारी सदी हुई भाषा को ध्यान से सुनेगा। आज संसार ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया है। आज हमारे देश ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया है। आज हमारे प्रांत ने, हमारे समाज ने, हमारी कलीसिया ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया। गॉड इज नॉट बिहाइंड अस, वी आर लूजिंग द फेवर ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमको जो सूझबूझ लगती है उसी के उसी की अधीनता में हम अपने सिस्टम को, नया नया सिस्टम को बना रहे हैं। विश्वास करने के अलग अलग तरीकों को हम लोग खुद चुनते चले जा रहे हैं। बाइबिल के सिस्टम को काम में मत लाइए, अपना दिमाग लगाते रहिएगा। यही बाइबिल कहती है यशया के 57 में कि तुम उपवास में एक दूसरे को घूंसा मारते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। खाना नहीं खाए तो क्या हो गया, परंतु जिस दिन उपवास कीजिएगा उस दिन चिड़चिड़ाहट ज्यादा होती है और दुष्ट आत्माओं का अटैक ज्यादा होता है। उपवास का निश्चय कीजिए, फिर देखिएगा मोहल्ले के भूत आपके दरवाजे में होंगे। आखिर आ क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी उनको इनविटेशन देती है कि आओ आज हम उपवास कर रहे हैं, हमको उपवास मत करने दो, फिर देख लेना। नाम शांत कुमार बेटा जिंदगी कभी ने सताया उस दिन क्रॉकरी की टेबल की गिरा देगा। जिस पत्नी, शांतिबाई पत्नी ने आपको कभी नाराजगी नहीं दिखाई, उपवास के दिन फिर देख लेना उसका रूप विकरार हो जाता है। जिस समय आपको अभिषेक मिलना होता है फिर देख लेना, उसी दिन मेहमान आ जाते हैं उपवास के दिन में। जी हाँ, जब कभी भी ऐसा लगता है कि अब हम बहुत प्रभु के निकट हैं, उसी समय एक धमाका होता है। Something is wrong inside of our life. That's why this demonic forces is behind us. Because we are losing the presence of God. Yes. कोई कोने में पश्चाताप नहीं हुआ है जिससे कि बनता 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 99 पॉइंट बनता काम 100वें पॉइंट के आने से पहले टूट जाता है। Why? There is something inside. यही है उपाय। चेले इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उपाय नहीं किया। उपाय नंबर वन पश्चाताप। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास सबसे पहला मैसेज था मन फिराओ, और दूसरा मैसेज था परमेश्वर का राज, तीसरा मैसेज था पवित्र आत्मा, और चौथा मैसेज था आग, द फायर। आपको जानकारी मिले इन चार विषयों के आधार पर स्वर्ग और स्वर्ग के परमेश्वर और नरक के शैतान के बीच में रस्सा खिंचाई चलती है, और इसमें शैतान भी जीत सकता है और प्रभु भी जीत सकता है। शैतान भी हार सकता है, प्रभु भी हार सकता है। वो अपने आप में हार जीत नहीं कर सकते हैं, हार जीत का चुनाव हम करते हैं। यदि हमने प्रार्थना और उपाय किया और मन फिराने का प्रयास किया तो हम कहीं ना कहीं अंधकार की जड़ों को अपने अंदर से उखाड़ देंगे, और यही वह जगह है जहां हम परमेश्वर का पक्ष पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक लाइन हम कहना चाहते हैं, जिसकी जिंदगी में पश्चाताप नहीं है आप कभी भी परमेश्वर का पक्ष नहीं ले सकते। Yes, without the repentance, none of the person can have the favor of God. याद रखिएगा, यदि आपको परमेश्वर का पक्ष चाहिए तो पश्चाताप सबसे पहली बुनियाद है। और आज विश्व से, कलीसिया से, याजकों से पश्चाताप का अंत हो गया, इंतकाल हो गया है। और यही कारण है कि हमने परमेश्वर की छाया खो दी और दुष्ट आत्माओं के साम्राज्य में हमारा गहरा योगदान इसलिए है क्योंकि हम पश्चाताप रहित जीवन जीते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। हम गलती जरूर करते हैं परंतु गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही है स्वाभिमान, और यही हमारे अंदर बीमारी लेके आता है। यही हमारी आर्थिक समस्याओं का कारण है।
क्योंकि परमेश्वर का पक्ष खो देना ही अंधकार के साम्राज्य को अपने अंदर ला लेना है। और यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर से अंधकार के साम्राज्य को खो देना चाहता है या निकाल देना चाहता है, उसको अंत कर देना चाहता है, तो उसे परमेश्वर का पक्ष खोजना पड़ेगा, फेवर ऑफ गॉड। और यदि परमेश्वर का पक्ष तुम्हारे साथ है तो अंधकार की ताकतों को पतली गली ढूंढना पड़ेगा।